हेलो एवरीवन, आई एम भावना गर्ल फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज नानू। नाउ लेट्स स्टार्ट फरारी मेथड। आज हम ये गिवन इक्वेशन है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग फरारी मेथड। तो देखिए कैसे करेंगे। गिवन इक्वेशन को हम फर्स्ट कह देते हैं, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 4। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग फरारी मेथड। तो देखिए कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन। फर्स्टली हम बाकी सभी टर्म्स को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, -35x² + 50x - 24। नाउ अब हमें लेफ्ट हैंड साइड पे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 × 5x, क्योंकि ऐसे कह रहे हैं 2x² × 5x लिख सकते हैं, तो हमारे पास यही आएगा। मीन्स हम क्या करेंगे, 25x² ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। नाउ अब हमारे पास यहाँ क्या बन गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखिए कंप्लीट स्क्वायर मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, x² - 5x² एक्सटेंड करेंगे क्या आएगा, x³ + 25x² - 10x³। तो यही चीज आ जाएगी, ठीक है। नाउ हियर क्या होगा हमारे पास, ये माइनस कर दीजिए, -10x² + 50x - 24। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हम ये टर्म याद रखेंगे बाकी राइट हैंड साइड पे लेंगे। तो हमने अब लेफ्ट हैंड साइड पे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो हमने ये अप्लाई कर दिया। नाउ नेक्स्ट वी हैव x² - 5x + λ। हम क्या करेंगे, लैम्डा ऐड करेंगे और फिर लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर एक्सटेंड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab - 2ab + b². हमने क्या कर दिया, a + b का होल स्क्वायर एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, a² या +2ab होगा +b². ओके, नाउ अब हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे यूजिंग इक्वेशन सेकंड। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए -10x² + 50x - 24 + 2x² - 10x ये λ भी है + λ² ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इन दोनों में से हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है, x² ओके। नाउ अब यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है, x +λ² - 24। हमने इस इक्वेशन को क्या कर दिया है, सिंप्लीफाई, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी, इसको आप कह दीजिए इक्वेशन थर्ड। नाउ अब हमें लैम्डा चूज करना है कि जो हमारी इक्वेशन थर्ड का ये लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे क्या बन जाए, कंप्लीट स्क्वायर। तो देखिए नाउ वी चूज लैम्डा, हम लैम्डा चूज करेंगे, नाउ वी चूज लैम्डा सच दैट डिस्क्रिमिनेंट को क्या लेके चलेंगे, हम इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो सकता है, b² - 4ac = 0, ठीक है। ये हम क्यों लेके चल रहे हैं, ताकि हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, जो हम यहाँ पुट करेंगे जिससे ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं b² हमारे पास x का कोएफिशिएंट होगा 50 - 10λ² - 4। a क्या है हमारे पास, -10 + 2λ। c क्या है, λ² - 24 = 0, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ से हम टेन कॉमन ले लेंगे तो टेन का स्क्वायर हंड्रेड होगा, फाइव बाई टू लैम्डा का स्क्वायर। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, टू कॉमन ले लीजिए, माइनस फाइव प्लस लैम्डा। ओके नाउ कंप्लीट इक्वेशन से क्या कॉमन आ रहा है, फाइव माइनस लैम्डा। तो यहाँ से हम ले लेंगे फाइव माइनस लैम्डा कॉमन ले लीजिए हंड्रेड, फाइव माइनस लैम्डा माइनस कॉमन लेंगे प्लस एट लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो। नाउ आइदर दिस वन जीरो और दिस वन, तो हम इसको जीरो की करेंगे, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, फाइव। ठीक है, तो लैम्डा फाइव आ गया तो हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अब हम थर्ड इक्वेशन में लैम्डा पुट कर देंगे। थर्ड इक्वेशन में लैम्डा पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर। यहाँ पुट करेंगे फाइव तो जीरो जीरो। ठीक है, और यहाँ ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर तो वन आएगा हमारे पास। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में हमने लैम्डा की वैल्यू पुट कर दिया, लिख देते हैं लैम्डा फाइव पुट इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो नाउ अब हमारे पास क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव इक्वल प्लस माइनस वन। तो एक बार हम प्लस वन लेके चलेंगे और एक बार माइनस वन, प्लस वन लेके चलोगे तो क्या आएगा, वन माइनस फाइव मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव है प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन आ गई। और अगर माइनस वन लेके चलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव माइनस वन प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिससे हमारे पास दो दो रूट्स आ जाएंगे। जिसको सिंप्लीफाई करें क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x लेते हैं, 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 और 4। नाउ इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 3x माइनस 2x, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 और 3। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग